मैम जी कैसे हो आप सब। और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं आज लेके आई हूँ कटिंग और स्टिचिंग वीडियो सर्कुलर प्लाजो की। जो अम्ब्रेला कट प्लाजो होता है, सर्कुलर प्लाजो होता है, फुल फ्लेयर प्लाजो होता है। तो मेरे पास है ये सैंटून का कपड़ा। पहले मैं सोच रही थी कि कॉटन के कपड़े पे आप लोगों को कटिंग करके दिखाऊंगी, लेकिन फिर मेरे को ये सूट सिलना था तो मैंने कहा चलो यही आप लोगों को सिल के दिखाती हूँ। तो जो सर्कुलर प्लाजो होता है या अम्ब्रेला कट प्लाजो होता है, उसके लिए बेसिकली हमें कपड़ा चाहिए होता है पूरा 3 मीटर। लेकिन अगर आपके पास 2.5 मीटर कपड़ा है तो 2.5 मीटर कपड़े में भी आप बहुत इजीली सर्कुलर प्लाजो या अम्ब्रेला कट प्लाजो या फुल फ्लेयर प्लाजो जिसको बोलते हैं वो आप बना सकते हो बहुत इजीली। 3 मीटर कपड़े में ये होता है कि नीचे जो जोड़ आता है वो थोड़ा कम आता है, 2.5 मीटर कपड़े में जो जोड़ आता है वो थोड़ा सा ज्यादा आता है। बाकी जो जोड़ डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है आपके कपड़े के अरज पे कि आपके कपड़े की चौड़ाई कितनी है। और यहाँ कटिंग करने से पहले या मार्किंग करने से पहले मैंने कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लिया है, प्रेस करके और मैंने कपड़े को डबल कर लिया है। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो 2 पार्ट्स में रहेगी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ कटिंग शेयर कर रही हूँ स्टिचिंग के लिए। नेक्स्ट इसका जो पार्ट 2 आएगा, और 2 पार्ट में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाई है बिगिनर्स को ध्यान में रखते हुए जिनको स्टिचिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। बहुत बारीकी से मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की हैं ताकि बिगिनर्स को अच्छे से समझ में आ जाए। ये कपड़ा मैंने डबल फोल्ड कर लिया है लंबाई की साइड से। अब हम इसका इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाएंगे, जो समोसा शेप होती है उस तरीके से हम इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। किसी भी साइड से आप फोल्ड कर सकते हो, जिस साइड से आपका हाथ सीधा पड़ता है उस साइड में आप कपड़े को फोल्ड कर सकते हो। अब हम इसमें सबसे पहले लगाएंगे कमर का निशान। कमर का जो मेजरिंग होती है वो होती है हिप के हिसाब से। मैं हिप के हिसाब से लेती हूँ, मेरी हिप 40 इंच है तो उसमें 4 इंच ऐड करके 4 से उसको डिवाइड कर देंगे। और इसमें जो खुला साइड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जो इसका बंद साइड है वो मेरी साइड है। ये मैं आप लोगों को बहुत बारीकी से छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ कि किस साइड से हमें कौन सी मेजरिंग करनी है, किस साइड से हमें कौन सी मार्किंग करनी है। तो यहाँ मैंने कमर का निशान लगा दिया है। इस तरीके से अपने टेप को घुमाते हुए हम इसका एक कर्व बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा कमर का निशान, ये मैंने लगा दिया है। टोटल मेरी जो कमर थी वो 11 इंच थी, ऊपर से लंबाई आई थी 13.5 इंच पे, तो इस तरीके से सर्कुलर में लगा दिया। अब इसको सर्कुलर में ही एक बारी हम नाप लेंगे इस तरीके से इंची टेप को गोल करते हुए, और ये हमारा आया है पूरा 11 इंच। तो ये कमर का निशान बिल्कुल परफेक्ट है। कमर का निशान लगाने के बाद अब हम लेंगे लंबाई, और लंबाई हम पहले लगाएंगे फोल्डेड साइड से, ये हमारी ओपन साइड है तो पहले हम लगाएंगे फोल्डेड साइड से लंबाई का निशान। तो लंबाई है मेरी 42 तैयार, तो 42 में हम 2 इंच ऊपर छोड़ देंगे बेल्ट का, ये पहले ही हम ऊपर छोड़ देंगे। ये मैं बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ क्योंकि जो बिगिनर्स हैं जिनको सिलाई सीखनी है वो ये छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। तो इंची टेप का पहले ही 2 इंच ऊपर निकाल दो। अब हमारा बचता है 40 इंच, तो टोटल लेंथ हम लेंगे 40 इंच, क्योंकि 2 इंच की बेल्ट आएगी तो टोटल 42 हो जाएगा। और आधा इंच हमें चाहिए मार्जिन का कपड़ा जो मोड़ने में और सिलाई में जाएगा। अब यहाँ मैं करूँगी इसकी पीको, तो मैं पीको करूँगी इसलिए मैं आधा इंच ले रही हूँ। अगर आप लोग पीको नहीं करते हो तो मार्जिन का कपड़ा जाएगा 1 इंच। यहाँ से हमारी लेंथ का निशान लग गया है फोल्डेड साइड से। अब हम लगाएंगे खुली साइड से लेंथ, तो खुली साइड से भी सेम हमें 2 इंच ऊपर छोड़ के और 40 इंच पे निशान लगाना है। इस तरीके से 40.5 इंच पे निशान जाएगा। ये आ गया हमारा 40.5 इंच पे निशान। अब इसी तरीके से हम इस इंची टेप को ऐसे चलाते जाएंगे और निशान अपना लगाते जाएंगे 40.5 पे। सर्कुलर में ही इसका निशान लगता जाएगा। आप बिगिनर हैं, अगर आपसे कपड़ा नहीं संभल रहा है तो इसको पिन के साथ सिक्योर कर सकते हैं कपड़े को, बट मैं ऐसे निशान लगा लेती हूँ इसलिए मैं ऐसे ही आप लोगों को बता रही हूँ।
बट ऑल पेन्स आती हैं स्टिचिंग की अलग से, उससे आप सिक्योर कर सकते हो। ये जो हमारा निशान है सर्कुलर में, ये हमारा लग गया है। अब इसको हम मिला लेंगे। देखो ये जो है ये इसका सर्कुलर में निशान आ गया। जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से इसको सर्कुलर में हम इसकी मार्किंग कर देंगे तो हमारी नीचे का जो घेरा है वो घेरा हो गया। ये हमारी टोटल इसकी लेंथ होगी और ये हमारी हो गई इसकी कमर प्लाजो की। अब हमें इसमें लगाना है आसन का निशान, क्रॉच एरिया। और आसन का निशान हम लगाएंगे जो हमारी ओपन साइड है उसमें, यहाँ से। तो चलो अब लगा लेते हैं इसमें क्रॉच का निशान, उसके बाद करेंगे इसकी कटिंग। तो आसन का जो निशान है वो मैं लगा रही हूँ 11.5 इंच पे। भाई मेरा ना, अगर मैं इसको यहाँ से 2 इंच ऊपर छोड़ के इसको 10.5 पे लगाती हूँ तो वो आसन रह जाता है टाइट, उसमें मैं नहीं डालनी पड़ती है। इसलिए बेल्ट के अलग मैं ले रही हूँ 11.5 इंच पे, तो जो टोटल जो आसन है वो हो जाएगा इसका 13.5 इंच। और 11.5 इंच हमने किस हिसाब से निकाला है कि जो हमारा हिप एरिया है उसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया है। तो 4 से डिवाइड करने के बाद मेरा 11.5 आता है, इसलिए मैं 11.5 ले रही हूँ। ऊपर 2 इंच बेल्ट का एक्स्ट्रा आ जाएगा तो ये टोटल आसन हो जाएगा 13 इंच का। अब इसको हम जो हमने 11.5 इंच पे निशान लगाया है, यहाँ हम अंदर 2 इंच की गहराई पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। और इस निशान को जो हमने कमर का निशान लगाया था उस निशान से इस तरीके से हम तिरछे में जॉइन कर देंगे। और इसकी हम दे देंगे यहां से गोलाई। तो ये हमारा क्रॉच एरिया का निशान लग गया। अब जो बाकी के हमारे प्लाजो होते हैं उसमें इस तरीके से क्रॉच एरिया आता है, तो उसमें अगर आसन थोड़ा बहुत छोटा भी रहे तो चल जाता है। लेकिन अम्ब्रेला कट में जो क्रॉच का आसन का निशान आता है वो तिरछा आता है, तो इसलिए मैं अम्ब्रेला कट प्लाजो में जो आसन है वो थोड़ा सा बड़ा ही रखती हूँ। सो ये हमारी पूरी फाइनल इसकी मार्किंग हो गई है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। कटिंग के लिए जो हमने कमर का निशान लगाया था उससे हम 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसकी कटिंग करेंगे। हम बिल्कुल एग्जैक्ट मार्किंग जो हमने करी थी उस पे हम कटिंग नहीं करेंगे, उससे हम 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे और मार्जिन पे इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि ये जो मार्जिन है ये सिलाई में जाएगा और सिलाई का मार्जिन हमें ज़रूर रखना है। तो ये है हमारी फाइनल फुल कटिंग अम्ब्रेला कट प्लाजो की। अब ये जो एक पोर्शन दिखाई दे रहा है इसमें आएगा जोड़। अम्ब्रेला कट प्लाजो में एक पल्ले में जोड़ आता ही आता है, चाहे आप कितना भी कपड़ा लें, 2 मीटर 2.5 मीटर 3 मीटर जितना भी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा हो, बट एक पल्ले में अम्ब्रेला कट में जोड़ आता ही है। अब ये जोड़ किस तरीके से लगाना है उसकी कटिंग मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और अगर इस वीडियो में कहीं भी कोई भी डाउट आपको होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। और इसमें ये जो नीचे का हम पल्ला निकालेंगे जो जोड़ वाला है वो हम इसी में से निकालेंगे जो हमारा ये कपड़ा बचा है। अब इस कपड़े में नीचे कान है तो पहले मैं इस कपड़े को सीधा करूंगी, और इस कपड़े को जो कान वाला कपड़ा होता है उसको सीधा करने के लिए मैं आपको तरीका बता देती हूँ। क्योंकि जो बिगिनर्स हैं उनके साथ मोस्टली ये प्रॉब्लम आती है कि अगर कान है तो कान को हम किस तरीके से निकालें या किस तरीके से हम सीधी लाइन खींचे, क्योंकि बिगिनर्स के साथ ये बहुत ज्यादा इशू होता है कि उनको कपड़ा स्ट्रेट करना नहीं आता है। तो इसका बहुत इजी और सिंपल सा तरीका है, स्केल का जो ये वाला पोर्शन होता है ये हमें बिल्कुल यहाँ कपड़े के साथ स्ट्रेट रखना है। इसकी किनारी पे हम इस तरीके से मिला के रखेंगे, चाहे कहीं भी आए स्केल आपका, इधर जाए कपड़ा कितना भी इधर बचे वो नहीं सोचना है, सिर्फ हमें ये इस तरीके से किनारी के साथ इसको बिल्कुल स्ट्रेट में रखना है। और बस अब हम इसमें एक सीधी लाइन डाल देंगे।
इसी तरीके से इस लाइन को हम स्ट्रेट करते चले जाएंगे। और ये अम्ब्रेला प्लाजो कटिंग का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है, इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिल सकता। ये प्लाजो की कटिंग करने के लिए आपको सिर्फ दो मेजरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कमर और लंबाई, उसके अलावा कोई मेजरमेंट नेसेसरी नहीं होता। तो ये कपड़ा हमारा हो गया है बिल्कुल सीधा। अब हम नीचे जोड़ के लिए इसमें से कपड़ा निकालेंगे। और जो बिगिनर्स है ना यार, उनके लिए मैं यही बोलूंगी कि अगर आप इस तरीके से सेंटून के कपड़े पे बना रहे हो तो एक तो आप फर्स्ट चांस में ही चांस ना लें कि आप सेंटून के कपड़े पे बनाएं, आप पहले कॉटन के कपड़े पे ट्राई करके देखना। कॉटन के कपड़े पे आप लोगों से सेट बैठ जाएगा, उसके बाद आप सेंटून के कपड़े पे बनाना। और सेंटून के कपड़े पे भी जब आप बनाते हो तो इसको साथ साथ पिंस के साथ सिक्योर करके चलना, क्योंकि सेंटून का कपड़ा, सिल्क का कपड़ा, जो भी थोड़ा रेशमी टाइप कपड़ा होता है वो सरकता ज्यादा। अब ये जो हमने कपड़ा सीधा काटा था, इस कपड़े को हमें रखना है इस कपड़े के ऊपर आधा इंच ऊपर तक, क्योंकि आधा इंच हम मार्जिन था निकालेंगे इसकी, इस कपड़े की, और इस कपड़े की सिलाई होगी उसके लिए। तो आधा इंच ऊपर तक इस तरीके से, इसकी सीधी साइड से हम इसकी सीधी साइड को इस तरीके से मिलाते हुए रख देंगे। या अगर आपको आइडिया नहीं आता है तो आप इसको इस कपड़े के नीचे अंदर की साइड भी रख सकते हो, लेकिन मैं ऊपर की ही साइड रख रही हूं इस तरीके से। तो नीचे वाला कपड़ा हमारा पूरा कवर हो गया है ऊपर वाले कपड़े से। अब जो नीचे वाले कपड़े की जो सर्कल में कटिंग थी, हम उसका निशान इसके ऊपर लगाएंगे। अब आप सोचोगे कि भाई इसके ऊपर कैसे निशान आएगा, वो तो नीचे की साइड छुप गया, ये तो ऊपर की साइड रह गया। अब यहाँ पे काम कर सकते हो कि इस कपड़े को यहाँ पे पिन से सिक्योर करके इसको ऐसा का ऐसा पलट लो, नीचे वाला साइड आपका ऊपर आ जाएगा, ये साइड आपका नीचे चला जाएगा। दूसरा जो आप काम कर सकते हो वो इस तरीके से हाथ से महसूस कर करके कि इसका कहाँ पे निशान है, आप इस तरीके से इसमें निशान लगा सकते हो। या तीसरा काम आप कर सकते हो कि यहां से आप इसका इस तरीके से निशान लगाओ, यहां से इस तरीके से निशान लगाओ, और जैसे हमने ऊपर से लंबाई नापी थी उस तरीके से आप इसका निशान लगा के और इसकी कटिंग कर सकते हो। बाकी इस तरीके से हाथ से जब आप इसको महसूस करोगे तो ये आपको नीचे का कपड़ा महसूस हो जाता है। और काफी सारे कपड़े ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी होती है तो नीचे का कपड़ा ऑटोमेटिकली आपको दिखाई दे जाता है। और बस ये निशान लगाने के बाद इसी निशान पे से हम इसकी कटिंग कर लेंगे, इसमें हमने मार्जिन नहीं छोड़ना है। और इस वीडियो को अब मैं यहीं पे कर रही हूँ एंड, मिलूंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में इस प्लाजो की स्टिचिंग के साथ। अगर कटिंग में आपको कोई भी इशू आता है, कोई भी डाउट रहता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये साइड इसकी अभी जुड़ी हुई है तो इसको भी हम अलग कर लेंगे। और आप लोगों से मिलूंगी पार्ट 2 में स्टिचिंग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑल ऑफ यू।